बात करते हैं उस पिल्ल जिसका नाम है गौहर सुल्ताना। उनका बर्थ 31 मार्च 1988 हैदराबाद आंध्र प्रदेश का। उनकी एज है 35 साल। राइट हैंड वो बैटर हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। टीम की बात करें इंडिया 21 वुमेन की तरफ से खेल चुके हैं, इंडिया वुमेन की तरफ से खेल चुके हैं और अब वो खेलने वाले हैं यूपी वॉरियर वुमेन्स में। करियर की बात करें तो वुमेन ओडीआई के 50 मैच की 23 इनिंग में उन्होंने 96 रन बनाए हैं। हाई स्कोर उनका 22 रन का, स्ट्राइक रेट 30.86 का के अलावा उन्होंने इसके अलावा बॉलिंग में उन्होंने ओडीआई में 50 मैच की 49 इनिंग में 66 विकेट लिए हैं। बेस्ट उनका रहा 4 रन देकर 4 विकेट। इकॉनमी रहा 3.32 का। टी20 में 37 मैच की 37 इनिंग में उन्होंने 29 विकेट लिए हैं। बेस्ट 17 रन देकर 3 विकेट। इकॉनमी रहा है 5.73 का। ओडीआई में उनका डेब्यू हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 5 मई 2008 को। टी20 मैच में उनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच में सिडनी में 2 अक्टूबर 2008 को। उनके रीसेंट बेस्ट की बात करें तो उनका जो आखिरी मैच था वो 2021 में हुआ था बंगाल वुमेन वर्सेस दिल्ली वुमेन के मैच में, जहाँ में उन्होंने 30 रन देकर 1 विकेट। इसके अलावा बंगाल वुमेन वर्सेस पंजाब वुमेन के मैच में उन्होंने 32 रन बनाए, साथ ही में 8 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा 22 रन देकर 3 विकेट उन्होंने एमपी वुमेन के खिलाफ, 6 रन देकर 2 विकेट एचपी वुमेन के खिलाफ और राजस्थान के खिलाफ 42 रन देकर 2 विकेट। इस तरह से उनका जो है बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है। देखते आने वाले टाइम में अगर उनको यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 में खेलने का चांस मिलता तो उनका परफॉर्मेंस जो है किस तरह का रहता है।